दोस्तों ये मूवी देखने के बाद बस मैं आपको यही कहूंगा, सुपर्ब। यानी कि ये जो मूवी है दोस्तों, ये आपको एक रियलिटी जैसा फील करा देगी, और ऐसा होता भी है आज के टाइम में। पर्सनली मुझे इस मूवी के अंदर दो सीन बहुत ज्यादा अच्छे लगे। पहला तो वो सीन था जब कुछ बच्चे तालाब में नहाने के लिए जाते हैं और फिर उनके साथ में जो होता है भाई आपके होश उड़ा देगा। और दूसरा वो वाला सीन था जो बैठने वाला होता है, यानी कि बैठने के पीछे सारा बवाल काटा गया उस सीन के अंदर, और वो सीन जब आप देखोगे तो भाई आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वेल, ममानन जो कि एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है, लगभग 2.5 घंटे की ये फिल्म क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आती है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म मिनट में। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है ममानन नाम के इंसान के ऊपर। यानी कि जो ममानन नाम का इंसान है वो एक पॉलिटिशियन है, और उसका एक बेटा होता है जो कि कहीं पर बुरा होता हुआ नहीं देख सकता, यानी कि वो सच के लिए लड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी इंसान होता है जिसका काफी ज्यादा नाम होता है पॉलिटिक्स के अंदर, और उसका गुंडागर्दी में भी नाम होता है, और वो अपने एरिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, यानी कि ममानन और ममानन का बेटा और दूसरा वो गैंग का लीडर जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, तब एक बहुत बड़ी राजनीति निकल के आती है। अब दोस्तों ये चीजें क्या होती है और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है, और ये जब आपस में भिड़ते हैं तो क्या कुछ होता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी जिस तरीके से शुरू होगी आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो पूरी मूवी के एंड तक बना रहेगा, क्योंकि मूवी के अंदर जितने भी करेक्टर्स आपको नजर आने वाले हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल है। यानी कि उनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, और हर एक करेक्टर के साथ में आप थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्ट भी हो जाओगे। हालांकि करेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ा और काम किया जा सकता था, बट जितना भी है दोस्तों वो अच्छा लगेगा आपको। और मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो एंगेजिंग है, आपको पूरी मूवी के एंड तक बांध के रखता है, आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये मूवी आपको पका रही है। बाकी मूवी का BGM अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, ओवरऑल मूवी अच्छी है। इस मूवी का जो कंसेप्ट है, जो एक राजनीति को लेकर दिखाई गई है चीजें, वो आपको पसंद आने वाली है। और मुझे इस मूवी के अंदर एक चीज और अच्छी लगी, जो जानवरों को लेकर प्यार दिखाया गया है। तो दोस्तों आप जब ये जानवरों वाली चीजें देखोगे, यानी कि जो सुअर है, डॉग्स है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट कुछ कुछ सीन आपको फहद फासिल के ऐसे लगेंगे जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि फहद फासिल को थोड़ी और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी, जिससे कि और ज्यादा मजा आए। बट दोस्तों जितना भी उन्होंने काम किया है वो नेक्स्ट लेवल है, आपको मजा जरूर आएगा। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। और इस मूवी को अभी तक IMDb रेटिंग मिली है 7.3/10, और मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 7/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।